श्री जी की निकली सवारी, श्री जी की महिमा ही न्यारी न्यारी। वम वम हम सम तम पम, वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम। भीम भीम छीम छीम रौं रौं ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमोति भगवते श्रीमते पवित्र तर्जनी विशेषयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वाधि वीरांताजलि स्नात्यम। चांदी के कलशों में जल भर दे, सोने की झारी में जल भर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन करी ले। चांदी के कलशों में जल भर दे, सोने की झारी में जल भर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन करी ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, आत्मा से सारा तेरा मेल धुल जाएगा, भक्ति से तेरा सारा मेल धुल जाएगा। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। हम सब मिलकर हो, हम सब मिलकर देखो ये विमोचन करते हैं, विमोचन करते हैं भक्ति का, विमोचन करते हैं विमोचन करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हं शं तं पं, वं वं मं मं हं हं सं शं तं तं पं पं झं झं। जीं जीं छीं छूं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रव द्रव नोरते भगवते श्रीमते ॐ रूं क्रों अं पापं खंडे खंडे जय हि जय हि दहे दहे पचे 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 पचे। ओं नमो अर्हं झं झीं छीं हं सं झं वं हिवापः अछां छीं छूं छीं छैं छों छं छं छः। ह्रां क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रूं ह्रौं ह्रं ह्रः। द्रां द्रीं द्रव द्रव नोरते भगवते श्रीमते ठः ठः। अस्माकं परमे पूज्य सन्ति श्रोमणीयाचार्य गुरुवर विद्यासागरजी महामुनि राजस्य चतुरे संघस्य स्वास्थ्यलाभार्थं पूज्य मुनि सजे सागरजी महाराज वंदनीय अरिका अनुनयमती माताजी परम श्रद्धे ऐलक श्री दया सागरजी महाराज समस्त ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचारिणीगण श्रावक श्रेष्ठ श्री शांतिधाराकर्ता श्रीमान मनोज जैन सीमा जैन अनुस जैन सुभी जैन बीना सपरिवार श्रीमती लक्ष्मीबाई जैन सपरिवार से मनोज कुमार जैन मुक्ता जैन बुक से बुक वर्ल्ड से सपरिवार से श्रीमती करण जैन सपरिवार से श्री जितेन जैन रजनी जैन ऋचा गौरव श्रुति सिद्धार्थ इरिया समस्त जैन राज परिवार से श्रीमती कृण विकास सुनीता सुनील रेखा शुभम श्रेय श्रेया पटेल सपरिवार से श्रीमती मैना महेंद्र इंद्रा रत्नेश प्रिया नैवेद श्री दिनेश अर्चना साहिल सिमरन गार्डन सपरिवार से डॉक्टर अजय गौरवी खुशी साइन सपरिवार से डॉक्टर सुभाष किरण इसमत स्वाति इरिया जखेरिया सपरिवार से श्रीमती भोलाबाई महेंद्र नंदिनी राकेश मंजू विपुल प्रियंका प्रज्ञा विवेक विप्र सपरिवार से श्रीमती प्रेमती मनोज सीमा इशिता तासी समस्त मोदी परिवार से श्री महेंद्र कल्पना रितेश निकता अर्थे सक्ष निधि निवी अजमेरा सपरिवार से श्रीमती कृष्णा जितेंद्र जैन ज्योति जैन जतिन जिया बीनस सपरिवार से प्रदीप जैन अनीता जैन यश जैन सपरिवार से श्री नवी जैन पिंकी जैन देवांशी जैन प्रज्ञान जैन सपरिवार से श्री दिनेश सुनीता अभिषेक श्रेयस एम बी एस बी आई सपरिवार से श्री अविनाश मेघा मुक्तांश सपरिवार से श्री दुलीचंद जी जैन एस जैन महेंद्र जैन मालथोन स्वास्थ्य लाभार्थों उपस्थित सर्व भव जनानाम शकल दिगंबर जैन समाज से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा।
समस्त शांति धारा करता पुण्यार्ज श्रावगण से शांति भट्टारक पाद में पद में प्रसाद सद्धर्म श्री वाला यारोग्यश्वरी वृद्धि रस्तु सद्धर्म सस्य परशिष वर्ग प्रसिदंतु नः ओम श्री विश्वादेशी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंतो भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम धेयः समस्त शांति धारा करता पुण्यार्ज श्रावगण यह मुत्य सिद्धिम तवंतु सद्धर्म कार्यसु चहमुत्र सिद्धिम पृछंतु न ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत्वासुतीतंक्राय श्रीमदरत्न त्रिरूपाय देवे तेजमूर्ति प्रभामंडल मणिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहिताय सप्तचत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक् ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनय आनंद ज्ञान दर्शन वीर सुखास्वदाय त्रिलोक शंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उत्सर्य विनाशय घाति कर्म शंकराय अजराय अवय सर्वभवजना नाम सकल दिगंबर जैन समाज से व्याधि में घिनंतो व्याधि में घिनंतो व्याधि में घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद तो समस्त सेविका नाम सर्वे दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशिनम भवतो ओम नवरते भगवते पिछिनाशे दोष कलमश देवे तेज मूर्ति नमः श्री शांति नाथ शांति कराय सर्व प्रणाशय से उत्त विनाशय सर पर क्षुद्र विनाशय सर्वाद शांति कराय ओम राम ह्रीम रघु रहसी अवसा नम मम सर्व शांति कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा मम काम रति काम सर्वराज्य भय सर्व चौर दुष्ट भय सर्व सर्व चिष्यहादि भय सर्व ग्रह भय सर्व दोषम व्याधि डाम्रम चे सर्व परमंत्र सर्वात्म घातम परिघातम चे सर्व शूलरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सिरोगम ज्वरोगम चे सर्व नरम आरिम सर्व गजास गोमय सजी मारिम सर्व शस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्रे पुष्पे फल मारिम सर्वराष्ट्रे मारिम सर्वकुरुवेता संगडकनी भयानी सर्वेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वपसे मारिम सर्वजीवानंदनम जननंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च स्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट कर मटम में पत्तन द्रोणमुख संवाहनंदनम सर्वानंदनम यशोकम त्रिशलोकेशु व्याधि विषन वर्जतम अभिमिच्छम आरोग्यम स्वस्ति रस्तो विधीयते श्री शांति रस्तो शिवमस्तो जयोस्तो नित्यम आरोग्यमस्तो मस्याम शानत विद्येन वर्यंतर हरम सवनी शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मयि मारा मस्याम शानत विद्येन वर्यंतर हरम सवनी शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मयि मारा मस्याम शानत विद्येन वर्यंतर हरम सवनी शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मयि मारा मस्याम शानत विद्येन वर्यंतर हरम सवनी शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मयि मारा मस्याम शानत विद्येन वर्यंतर हरम सवनी शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मयि मारा मस्याम शानत विद्येन वर्यंतर हरम सवनी शांतिम कुरु कुरु पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरशिराज्ञा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रा करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रा। एक प्रश्न आता है, एक नहीं कि मन में तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। किसी ने पूछा, बाग वीरान क्यों? उत्तर मिला, माली नहीं था। बाग वीरान क्यों हो गया? क्योंकि उसकी रखवारी करने वाला नहीं था, देख रेख करना वाला, पानी देने वाला, खाद पानी देने वाला वह नहीं था, इसलिए वह बाग वीरान है। फिर एक प्रश्न और आता है, घर सूना क्यों? घर सूना क्यों? तो प्रश्न का उत्तर मिला, घर पे नारी ना थी। देखो,
कहा गया कि घर में अगर नारी नहीं है तो घर सूना होता है, ये उस पर लिखा, क्योंकि घर की देखरेख करने वाली, घर का संवार करने वाली, संस्कारित सुंदर बनाने वाली अगर कोई होती है तो घर की नारी होती है। घर पे नारी नहीं है तो वो घर सूना माना जाता है। लोग कहें कि कितने भी पुरुष रह जाएं, हजार पुरुष भी रह जाएं, पर जो काम नारी कर सकती वो पुरुष नहीं कर सकता, घर का काम। तो चाहे वो भोजन बनाने का हो, चाहे वो घर को संवारने का हो, साफ सुथरा बनाने का हो, वो जिम्मेदारी अगर कोई कर सकती है तो वो कौन कर सकती है? नारी ही करती है। फिर तीसरा एक और बात आई, हृदय में नीरसता क्यों? हृदय में नीरसता क्यों? तो उसने कहा प्रभु के प्रति आस्था ना थी, गुरु के प्रति आस्था ना थी, अपनों के प्रति प्रेम भाव नहीं था। इन बातों को आज हम विचार करते हैं, ये व्यवहारिक चीजें हैं। हृदय की शून्यता पढ़ा जाता है, कवियों ने कहा भरा नहीं जो भावों से वो हृदय नहीं वह पत्थर है, ऐसा कहा जाता है कि जिनके अंदर भावों की विशुद्धता ना हो, भावों में निर्मलता ना हो, भावों में भक्ति के भाव ना हो, अपने से बड़ों के प्रति आदर्श के प्रति समर्पण श्रद्धा ना हो, वो हृदय नीरस माना जाता है। कि हृदय की नीरसता, हृदय में शून्यता अगर आदमी के पास है तो उसका जीवन तो है, जी रहा है, पर जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। जीने का उद्देश्य अगर उसके प्रति अपने से बड़ों के प्रति आस्था भक्ति है, अपने से परिवार में रहता है तो बड़ों के प्रति सम्मान है और अपने आदर्शों के प्रति श्रद्धा भक्ति है, जैसे कि हम सब लोग अपने हृदय की नीरसता को दूर करने के लिए, रसवान बनाने के लिए, हृदय में पवित्रता लाने के लिए भगवान की भक्ति पूजन करते हैं। हमारे भगवान की पूजन करने का उद्देश्य, हम भगवान की आराधना करने का भाव हमारे जो मन में आता है, ये कई लोगों कहते हैं अरे सब बेकार की क्रियाएं हैं, मास ये बेकार की क्रिया नहीं है, क्योंकि जो बात भगवान की आराधना में तुम्हें प्राप्त हो सकती है, तुम दुकान पर बैठ करके, फैक्ट्री में बैठ करके, या किसी प्रकार के धंधा पानी बिजनेस आदि करके, नौकरी आदि करके बाहरी धन तो जुटा सकते हो, बाहरी संपत्ति जुटा सकते हो, लेकिन आंतरिक संपत्ति तुम्हें नहीं मिल सकती। जो वास्तविक रूप से, जिसे अपन कहते हैं आनंद है, शांति है, जो सुख की अनुभूति है, जो आपको भगवान की आराधना पूजन भक्ति से मिल सकती है, वो बाहर के कार्यों से नहीं मिलने वाली है। श्रावक को इसलिए प्रतिदिन सबसे पहला प्रथम कार्य अगर करने के लिए उत्तम कार्य बताए तो भगवान की पूजन का बताया। भगवान की पूजन कैसे करना? अपन ने अच्छे से अपने घर से द्रव्य लाए और अपने द्रव्य को अच्छे से संवार करके, सुधार करके, थाली में लगा करके और भगवान के चरणों में अच्छे भाव के साथ अपन उसको अर्पित करते चले जाते हैं, भाव के साथ। अब कुछ लोगों की मान्यताएं ऐसी बन जाती, तरह तरह की विचारधाराएं होती हैं और विचारधाराओं को कोई किसी को रोक नहीं सकते हैं। लोग आकर के कहते
क्या बिना द्रव्य चढ़ाए भगवान की पूजन नहीं होती? द्रव्य चढ़ाना क्या जरूरी है? तो उनसे कहा, देखो वो तो कहता पूजा तो भाव से होती, द्रव्य से थोड़ी होती है। बात सही है तुम्हारी कहने वाले की, द्रव्य भाव से ही पूजा होती है और भाव के साथ ही भगवान की भक्ति के साथ। लेकिन भाव के साथ द्रव्य का संयोग आपके अंदर की भावनाओं को जागृत करने वाला होता है। जैसे एक बहुत अच्छा चिंतन, आप लोग जैसे ही अपन ने अष्ट द्रव्य थाली में लगाई है ना, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप और फल, ये आठ द्रव्य हैं, इनको अपन चढ़ाते हैं, क्या भावना रहती है? सबसे पहले तुमने जल लिया और जल चढ़ाने से जड़ने सबसे पहले जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्विपान्ति स्वाहा, कहना बहुत आसान लगता है, जन्म जरा मृत्यु जलम निर्विपान्ति स्वाहा। सबसे पहले इसका बहुत अच्छा रीजन, अपने आप को देहातीत बनाने की भावना। जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाते समय क्या भावना है इसमें बताओ? जन्म जरा मृत्यु किसकी होती है? किसका जन्म होता है, किसका मरण होता है? तो इस देह का ही जन्म होता है और देह का ही आयु, आत्मा का ना जन्म हुआ है न कभी मरण हुआ है। अपने आप को देहातीत बनाना है, इसलिए भगवान आपके चरणों में ये जल समर्पित करते हैं। फिर दूसरा कहे तो कौन सा द्रव्य है? चंदन है। तो आप लोग क्या कहते? संसार ताप विनाश आया कहते हो। ये संसार के जो परिभ्रमण है, पहले है देहातीत, दूसरा भवातीत होने के लिए। ये भगवान मेरा संसार का भवभ्रमण कब दूर हो जाए,